हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मोहक इंस्टीट्यूट। अपने आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेटिकल आइडेंटिटीज़ के बारे में। ओके फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पे एज वी नो राइट एंगल ट्रायंगल है एबीसी, जहाँ पे बी 90 डिग्री है। एंगल ए को हमने नाम दिया थीटा। देन जो ट्रिग्नोमेटिकल आइडेंटिटीज़ हैं वो क्या हो जाएंगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, 1 + tan² थीटा इज इक्वल टू sec² थीटा, एंड 1 + cot² थीटा इज इक्वल टू cosec² थीटा। ओके फ्रेंड्स, अब इन तीनों आइडेंटिटीज़ को हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम देख रहे हैं ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल बी पे 90 डिग्री है और एंगल ए को हमने नाम दिया है थीटा। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे ए बी को हम क्या कहेंगे, बेस। ये 90 डिग्री जो एंगल बन रहा है इसका बेस है। और बी सी को हम क्या कहेंगे, यहाँ पे परपेंडिकुलर। ओके फ्रेंड्स, और ये जो लाइन ऑफ साइट है इसको हम क्या कहेंगे, हाइपोटेन्यूज। ओके फ्रेंड्स, इसको हम शॉर्टकट में बी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, परपेंडिकुलर को पी से और हाइपोटेन्यूज को एच से। ओके फ्रेंड्स, इस तरह से सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर आइडेंटिटी को लेकर के चलते हैं। क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ हमें प्रूफ करना है कि वन होता है। ओके फ्रेंड्स, तो साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा क्या होता है, एज वी नो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, पी अपॉन में एच। ओके, तो साइन थीटा यहाँ पे क्या है, थीटा के लिए पी परपेंडिकुलर क्या है, बी सी, और एच क्या है, ए सी। ओके फ्रेंड्स, सो इस वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा मीन्स इसका स्क्वायर, बी सी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर। यहाँ पे इस ट्रायंगल के लिए हम कर रहे हैं तो लिख लेंगे यहाँ पे इन ट्रायंगल ए बी सी। ओके, यहाँ पे बी जो है वो 90 डिग्री है और एंगल ए जो है वो है थीटा। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अगेन हम जानते हैं कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। बेस यहाँ पे क्या है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेस यहाँ पे क्या है, ए बी, और हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, ए बी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, सो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, बी सी का होल स्क्वायर अपॉन में ए सी का होल स्क्वायर प्लस ए बी का होल स्क्वायर अपॉन में ए सी का होल स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, इसको हम दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए सी का होल स्क्वायर यहाँ पे बी सी का होल स्क्वायर प्लस ए बी का होल स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, एज वी नो इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी में क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाता है फ्रेंड्स, ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का होल स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, मीन्स ए बी यहाँ पे क्या है, बेस का होल स्क्वायर प्लस बी सी क्या है, परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। इज इक्वल टू ए सी का होल स्क्वायर हो जाता है, ए सी मीन्स हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, ये होता है पाइथागोरस का थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। मीन्स इस ट्रायंगल में ए बी सी में अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का होल स्क्वायर। नाउ ये चीज़ हम यहाँ पे पुट करेंगे, ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए सी का होल स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे, ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का होल स्क्वायर अपॉन में क्या है, ए सी का होल स्क्वायर। सो यहाँ पे इसको कैंसिल कर देंगे, आ जाएगा 1। ओके फ्रेंड्स, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या हो गया, राइट हैंड साइड। ओके फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने जो फर्स्ट इसकी आइडेंटिटी है ये प्रूफ कर ली। ओके, इसी तरह से बाकी दोनों आइडेंटिटीज़ को जो है फ्रेंड्स हम प्रूफ कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब।